हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्नसागर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द कॉन्सीटेड पाइथन एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। किनके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। कॉन्सीटेड का कहने का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी, और पाइथन का मतलब आप सब जानते हैं, एक बड़े से स्नेक को कहते हैं जिसको हम लोग अजगर भी बोलते हैं। तो एक अजगर जो है वो काफ़ी कंसीटेड है, काफ़ी घमंडी है, यही हमारा स्टोरी है। तो चलो स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट चैप्टर अपलोड किया जाए यू कैन गेट द नोटिफिकेशन है ना फर्स्ट। ओके, सो देयर वॉज वन पेट विच ग्रैंडफादर कुड नॉट कीप फॉर वेरी लॉन्ग। एक ऐसा पालतू जानवर था जिसको दादाजी लंबे समय के लिए नहीं रख सकते थे। ग्रैंड मदर वॉज टोलरेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स। कहने का मतलब जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी जी थी, वो तो हद तक कुछ पंछियों को और कुछ जानवरों को एज अ पेट, एज अ पालतू जानवर अपने घर में रख सकती थी, बट सी ड्रू द लाइन एट रेप्टाइल्स। लेकिन रेप्टाइल्स को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहती थी और रेप्टाइल्स को वो अलाउ नहीं करती थी कि घर में कोई पेट रखे। रेप्टाइल्स कहने का मतलब वो मैमल्स या वो एनिमल्स जो रेंग करके चलते हैं, इनको हिंदी में हम लोग सरीसृप कहते हैं। तो दादी जी को क्या पसंद नहीं था? रेप्टाइल्स एज अ पेट पसंद नहीं था, है ना। और यहाँ पे ड्रू द लाइन कहने का मतलब होता है सीमा निर्धारित कर देना, है ना, कि कोई इंसान क्या पसंद करता है क्या पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिया होता है। इवन अ कैमेलियन, कैमेलियन कहने का मतलब होता है गिरगिट, इवन अ कैमेलियन एज स्वीट टेम्पर्ड एज हेनरी मेड हर ब्लड रन कोल्ड। मेड हर ब्लड रन कोल्ड कहने का मतलब होता है काफ़ी डरा देना। तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा हेनरी अ कैमेलियन, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखा गया था। अगर उस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा रत्नसागर क्लास 7 का, वहाँ पे आपको हेनरी कैमेलियन काफ़ी ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ तक कि एक गिरगिट जो कि कैमेलियन जितना ही मासूम था, जितना ही स्वीट था, वो भी क्या करता था, दादी जी को काफ़ी डरा देता था। इसका मतलब कि रेप्टाइल्स से काफ़ी डर लगता था। किनको? ग्रैंड मदर को। ग्रैंड फादर शुड हैव नोन दैट देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ बींग अलाउड टू कीप अ पाइथन। पाइथन कहने का मतलब अजगर। तो दादाजी को ये बात तो पता होना चाहिए था ना कि उनको बहुत ही कम मौका मिलेगा, उनको हो सकता है चांस न मिले, उनको परमिशन न मिले कि वो घर में एक पाइथन को एज अ पेट रख सकते हैं। उनको ये बात पता होनी चाहिए थी। ही नेवर कुड रेसिस्ट बाइंग अनयूजुअल पेट्स। अनयूजुअल पेट्स कहने का मतलब अजीबो गरीब तरह के पालतू जानवर। दादाजी खुद को रोक नहीं सकते थे ख़रीदने से, मतलब वो जब भी कभी मार्केट जाते थे तो अजीबो गरीब पालतू जानवर खरीद कर लाते थे, है ना। पता नहीं कि उनके मूड में ये सब क्या चीज़ें चलती थी जो कि इस तरह के अनयूजुअल पेट्स खरीदते रहते थे। एंड वाइल वी स्टिल हैड टोटो। अब यहाँ पे हमारे ऑदर कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड कि जबकि हमारे पास पहले से ही टोटो था। अब टोटो कौन है? एक मंकी है जो कि काफ़ी शरारती होता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो है ना, तो वही टोटो हमारा कैरेक्टर एक मंकी का है जो कि काफ़ी बदमाश होता है, है ना। तो यहाँ पर ऑदर कह रहे हैं कि जबकि हमारे पास पहले से ही टोटो था, ही पेड अ स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर मीन्स होता है सपेरा। ही पेड अ स्नेक चार्मर इन दी बाजार ओनली फोर रुपीज़ फॉर द यंग 4 foot पाइथन दैट वॉज ऑन डिस्प्ले टू अ क्राउड ऑफ ईगर बॉयज़ एंड गर्ल्स। कहने का मतलब है कि दादाजी बाजार गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सपेरा, एक 4 foot लंबे पाइथन को बॉयज़ और गर्ल्स के बीच डिस्प्ले कर रहा है, उनका मनोरंजन कर रहा है। तो उन्होंने उस सपेरे को 4 रुपये दिए और उसको ख़रीद लिया। Grandfather impressed the gathering by slinging the python over his shoulders and walking home with it. अब देखो यहाँ पे gathering कहने का मतलब जो भीड़ लगा हुआ था उसको बोला गया है, और slinging कहने का मतलब होता है झूलना, मतलब किसी को ऐसे तरफ फेंकना, किसी चीज़ को ऐसे रखना जैसे वो झूल रहा हो, लटक रहा हो, है ना। तो उस गैदरिंग को, उस भीड़ को इम्प्रेस करने के लिए दादाजी ने क्या किया, उस पाइथन को अपने गर्दन से लटका लिया, है ना, अपने शोल्डर से लटका लिया
और फिर अपने कंधों से लटका लिया आइस रूट से और वहाँ से घर के लिए चल पड़े। द फर्स्ट टू सी देम अराइव वॉज टोटो, और दादाजी को और उस पाइथन को जो सबसे पहले देखने आया वो कौन था, वो टोटो था, स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ए जैक फ्रूट ट्री। और ये क्या कर रहा था, एक जैक फ्रूट, एक कटहल के डाली से लटक रहा था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये टोटो जो है देखकर काफ़ी डर जाता है इसको। अब क्यों डर जाता है, वन लुक एट द पाइथन, मतलब टोटो ने जैसे ही पाइथन को देखा, एंसिएंट एनिमी ऑफ हिज रेस, तो पाइथन जो होता है ना और ये जो मंकी होता है इनमें कभी भी नहीं बनती है, इनमें कभी भी पड़ता ही नहीं, तो ये एक दूसरे के नस्ल के, एक दूसरे के जाति के क्या होते हैं लोग, एनिमी होते हैं लोग। तो जब टोटो ने देखा कि यह उसकी जाति का काफ़ी प्राचीन, काफ़ी पुराना दुश्मन है, एंड ही फ्लेड इनटू द हाउस स्क्वीलिंग विद फ्राइट, तो वह डर से चिल्लाते हुए कहाँ भाग गया, घर के अंदर भाग गया। द नॉइज ब्रॉट ग्रैंड मदर ऑन टू दी वरामदा वेयर सी नियरली फेंटेड एट द साइट ऑफ द पाइथन कर्ल्ड अराउंड ग्रैंड फादर्स थ्रोट। अब उस टोटो के चिल्लाने के वजह से दादी जी बरामदा में चली आई और वहाँ पे जो दृश्य दादी जी ने देखा उसको देखकर वो लगभग बेहोश सी हो गई। उन्होंने क्या देखा कि एक अजगर दादाजी के गर्दन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप लोग समझ सकते हैं, ये देखिए पिक्चर है ना, तो ये यहाँ पे ये चिल्ला रहा है, ये टोटो, यही वाला जो बंदर है ये टोटो है, और जब ये चिल्ला रहा है तो दादी जी आ रही हैं, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि दादाजी के गर्दन के चारों तरफ ये पाइथन लिपटा हुआ है, इसको देखकर दादी जी क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं, इट विल स्ट्रैंगल यू डेथ, है ना, इट विल स्ट्रैंगल यू टू डेथ। स्ट्रैंगल कहने का मतलब होता है दम घोंट कर किसी को मार देना, है ना, सी क्राइड। तो दादी जी चिल्लाते हुए कहती हैं कि अरे ये क्या करेगा, ये आपको, ये आपके दम को घूट देगा और ये आपको मार देगा। मतलब अजगर जो होता है वो अपने शिकार को क्या करता है, उसके चारों तरफ अपने बॉडी से, उसकी बॉडी से लिपट जाता है और उसके दम को घोंट करके उसे मार देता है। गेट रिड ऑफ इट एट वंस, दादी जी कहती है इसे तुरंत हटाइए वहाँ से। नॉन सेंस सेड ग्रैंडफादर, दादाजी कहते हैं अरे क्या बकवास कर रही हो, है ना, ही इज़ ओनली अ यंग फेलो, ही विल सून गेट यूज टू अस, अरे ये तो अभी एक बच्चा है और इसको बहुत ही जल्द हमारे साथ रहने का आदि हो जाएगा, ये हम सबको काफ़ी जल्दी पहचान लेगा, है ना। ही माइट इंडीड सेड ग्रैंड मदर, बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज टू हिम। अब दादी जी कहती है हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको हमारे साथ रहने की आदत हो जाएगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं भी इसकी आदी हो जाऊँ, है ना। एंड यू नो योर कज़न मैबल इज़ कमिंग टू स्टे विद अस टुमारो, दादी जी कहती हैं कि और आपको पता भी होगा कि आपकी एक कज़न सिस्टर मैबल हमारे साथ रहने के लिए कल आ रही है। सी लीव द मिनट सी नोज देयर इज़ अ स्नेक इन द हाउस, और वो उसी मिनट घर छोड़कर चली जाएगी जब उसको पता चलेगा कि घर में क्या है, एक सांप है। मतलब आंट मेबल भी जो है वो भी काफ़ी डरती हैं किससे, स्नेक से। वेल परहैप्स वी शुड सो इट टू हर एज सून एज सी अराइव्स सेड ग्रैंडफादर, तो दादाजी कहते हैं क्यों ना जैसे ही वो आती है, मतलब जैसे ही उसकी कज़न आती है हम लोग उसको दिखा देंगे ताकि वो घबराए नहीं। हु डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू द विजिट्स ऑफ रिलेटिव्स एनी मोर देन आई डिड, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे भी आई आया है ना वो हमारे ऑदर रस्किन बॉन्ड के लिए आया है, ठीक है। तो हमारे ऑदर रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि दादाजी को भी जब कोई भी रिलेटिव्स उनके घर आते थे तो उनको पसंद नहीं होता था, है ना, और ऑदर कह रहे हैं कि ये बात मुझे भी पसंद नहीं है कि कोई रिलेटिव मेरे घर आए। यू विल डू नो सच थिंग सेड ग्रैंड मदर, अब दादी जी कहती है कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मतलब अपनी कज़न को ये बात नहीं बताओगे कि तुम्हारे घर में क्या है, एक सांप है। वेल आई कांट लेट इट लूज इन द गार्डन, है ना, इट माइट फाइंड इट्स वे इन टू द पोल्ट्री हाउस एंड देन वेयर वुड वी बी। अब दादी जी कहती हैं कि एक बात यह है कि मैं इसको गार्डन में नहीं जाने दे सकती, मतलब इस अजगर को अपने गार्डन में नहीं जाने दे सकती, क्योंकि हो सकता है कि ये पोल्ट्री हाउस में, मतलब मुर्गी खाने में चले जाए, है ना, जहाँ पे चिकन्स रहती हैं वहाँ पे चले जाए, और जब एक बार वो वहाँ पे पहुँच गया तो आप तो जानते ही हैं कि क्या होगा, ये सारे मुर्गियों को, सारे चिकन्स को खा जाएगा।
ओह हाउ इरिटेटिंग, ग्रम्बल्ड ग्रैंडमदर। अब दादी जी गुस्साते हुए कहती हैं कि क्या मतलब बकवास है ना, क्या लेकर चले आए हैं आप, है ना। लॉक द थिंग इन द बाथरूम देन गो आउट एंड फाइंड द मैन यू बॉट इट फ्रॉम एंड गेट हिम टू कम हेयर एंड कलेक्ट इट। दादी जी कहती हैं कि एक काम करो, इस अजगर को बाथरूम में बंद कर दो और जाओ उस आदमी को ढूंढ करके लाओ जिससे तुमने इसे ख़रीदा था। आप कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दादा और दादी की बात हो रही है ना, तो आई एम सॉरी जहाँ पे भी मैंने तुम बोला है, आई विल ट्राई टू बी सम रिस्पेक्टफुल। ओके, तो आप जाइए और उस आदमी को ढूंढ करके लाइए जिससे आपने इस सांप को ख़रीदा था और उसे बोलिए कि उसे आकर ले जाए। एंड सो इन माई अवेस्ट्रक, अब देखो माई बोला गया है ऑदर के लिए और अवेस्ट्रक कहने का मतलब होता है जब आप काफ़ी डरे हुए होते हैं। एंड सो इन माई अवेस्ट्रक प्रेजेंस ग्रैंडफादर टुक द पाइथन इन टू द बाथरूम एंड प्लेस्ड इट इन द टब। अब मैं काफ़ी डरा हुआ था तभी दादाजी पाइथन को लेते हैं और बाथरूम में जाकर उसे एक टब में रख देते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट ही गेव मी अ सैड लुक, और उस मतलब पाइथन को रख के बाथरूम के दरवाजे को बंद करते हुए दादाजी मेरी तरफ थोड़ा उदास होते हुए देखते हैं और क्या बोलते हैं, परहैप्स ग्रैंड मदर इज़ राइट दिस टाइम। वो बोलते हैं कि शायद हो सकता है कि तुम्हारी दादी जो है ना इस बार सही बोल रही है। ही सेड आफ्टर ऑल वी डोंट वांट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो, कि आखिरकार हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये सांप जो है ना टोटो को पकड़ ले, मतलब उस मंकी को पकड़ ले। एंड इट्स श्योर बी वेरी हंग्री, और जहाँ तक मुझे पता है कि ये काफ़ी भूखा भी होगा। तो एक अजगर क्या करता है, अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है, एकदम जिंदा ही निगल जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। वेयर डिड ग्रैंडफादर गेट द पाइथन फ्रॉम, दादाजी को ये पाइथन कहाँ से मिला। सो यू कैन आंसर ही गॉट द पाइथन फ्रॉम द बाजार एंड ही बॉट इट फ्रॉम अ स्नेक चार्मर। हाउ डिड ग्रैंडफादर इम्प्रेस द बॉयज एंड गर्ल्स गैदर्ड अराउंड द स्नेक चार्मर, ही पुट द स्नेक ऑन हिज शोल्डर टू इम्प्रेस द गैदरिंग्स, बोल सकते हो। Where did grandfather place the python? So he placed the python into the tub in the bathroom. Okay. अब हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। He hurried off to the bazaar to look for the snake charmer. अब उस सपेरे को ढूंढने के लिए दादाजी काफ़ी जल्दबाजी में बाजार गए and was gone for about 2 hours. और उनको गए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। While grandmother paced up and down the veranda, तब तक दादी जी क्या कर रही थी, बरामदे में आगे पीछे घूम रही थी, काफ़ी गुस्से में थी। When grandfather returned, जब दादाजी वापस लौटे, looking crestfallen, crestfallen करने का मतलब होता है sad and disappointed, है ना। जब दादाजी वापस आए तो वो काफ़ी उदास दिख रहे थे, काफ़ी निराश दिख रहे थे। We knew he had not been able to find the snake charmer, और उनके चेहरे को देखकर हमें ये बात पता चल गया था कि वो उस सपेरे को न ढूंढ सके थे। Well then kindly take it away yourself, said grandmother, leave it in the jungle across the river bed. तब दादी जी कहती हैं तो एक काम कीजिए, आप खुद इसे लेकर जाइए नदी के पार, जंगल में इसे छोड़ दीजिए। Alright, but let me feed it first, said grandfather. दादाजी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसे आप कह रही हैं, लेकिन मुझे इसे पहले कुछ खिला लेने दीजिए। He produced a chicken. उन्होंने क्या किया, उसके सामने एक चिकन ला कर रख दिया। In those days, you could get a chicken for less than a rupee. उन दिनों जो है ना चिकन उतना महंगा नहीं था, आपको 1 रुपये में एक चिकन मिल सकता था, है ना। तो काफ़ी ईजी था आपको उस चिकन को खिलाना उस अजगर को, क्योंकि कॉस्टली नहीं था। एंड वेंट इन टू द बाथरूम फॉलोड इन सिंगल फाइल बाई माई सेल्फ ग्रैंड मदर द कुक एंड द गार्डनर। इन द सिंगल फाइल कहने का मतलब एक कतार बना लेना, एक क्वी बना लेना, एक लाइन बना लेना। तो जैसे ही वो एक चिकन को लेकर बाथरूम के अंदर जाते हैं तो उनके पीछे पीछे हम सब लग गए। उसमें मैं था, मतलब ऑदर रस्किन बॉन्ड, दादी जी, घर का जो बावर्ची था और जो गार्डनर था, हम सब उनके पीछे पीछे बाथरूम की तरफ चल दिए। ग्रैंडफादर ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द रूम, दादाजी ने क्या किया, बाथरूम के दरवाजे को खोला और उसके अंदर गए। आई पीप राउंड हिज लेग्स, मैं तो अंदर नहीं गया लेकिन मैं दादाजी के पैरों की चारों तरफ देख रहा था, झांक रहा था। वाइल द अदर्स स्टेड वेल बिहाइंड, और बाकी जो लोग थे जैसे कि मेरी दादी, गार्डनर, कुक, ये लोग काफ़ी पीछे थे।
वी कुड नॉट सी द पाइथन एनीवेयर, लेकिन हम लोगों को पाइथन कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। ही इज़ गॉन, अनाउंस्ड ग्रैंडफादर। अभी दादाजी कहते हैं अरे ये तो भाग गया है, ये तो चला गया है। ही कुडंट हैव गॉन फार, सेड ग्रैंडमदर। तभी दादी जी कहती हैं कि वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। लुक अंडर द टब, टब के अंदर तो देखिए ज़रा। वी लुक्ड अंडर द टब, हमने टब के अंदर भी देखा। बट द पाइथन वॉज नॉट देयर, लेकिन वो अजगर वहाँ पे नहीं था। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो, तब दादाजी क्या करते हैं खिड़की के पास जाते हैं। वी लेफ्ट इट ओपन, ही सेड ही मस्ट हैव गॉन दिस वे, और जाकर कहते हैं कि अरे हमने खिड़की तो खुला ही छोड़ दिया था, तो हो सकता है वो खिड़की से निकल के इस तरफ गया होगा। अ केयरफुल सर्च वॉज मेड ऑफ द हाउस, द किचन, द गार्डन, द स्टेबल एंड द पोल्ट्री शेड, बट द पाइथन कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर। अब पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली गई, यहाँ तक कि किचन का, बागीचे का, स्टेबल का, पोल्ट्री फार्म का, है ना, लेकिन पाइथन कहीं पे भी नहीं मिला। ही मस्ट हैव गॉन ओवर द गार्डन वॉल, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी कहते हैं हो सकता है कि वो गार्डन वॉल को चढ़ करके चला गया होगा। ही विल बी वेल अवे बाय नाउ, और अगर उसने ऐसा किया होगा तो वो काफ़ी दूर निकल गया होगा। आई सर्टनली होप सो, सेड ग्रैंड मदर विद अ लुक ऑफ रिलीफ। तो दादी जी थोड़ा चैन का सांस लेते हुए कहती हैं कि मैं भी ऐसा ही मतलब मानती हूँ और ऐसा ही उम्मीद करती हूँ कि वो काफ़ी दूर चला गया होगा, है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आंट मेबल अराइव्ड द नेक्स्ट डे फॉर अ 3 week विजिट, एंड फॉर अ कपल ऑफ डेज ग्रैंड फादर एंड आई वेर अ लिटिल वॉरिड इन केस द पाइथन मेड अ सडन अपियरेंस, बट ऑन द थर्ड डे, है ना। अब हमको जरा देख लेना है क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि अगले दिन क्या होता है, 3 हफ्तों तक ठहरने के लिए आंट मेबेल आ जाती हैं, है ना। और ऑदर कह रहे हैं कि 2 दिनों तक मैं और दादाजी काफ़ी परेशान थे कि क्या होगा अगर वो पाइथन, अगर वो अजगर अचानक से हमारे सामने आ जाता है, है ना। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, व्हेन ही डिड नॉट शो अप, जब वो तीसरे दिन भी दिखाई नहीं दिया, वी फेल्ट श्योर दैट ही हैड गॉन फॉर गुड। तो हमें इस बात का मतलब हम ये जानकर सुनिश्चित हो गए कि हो सकता है कि वो हमेशा के लिए चला गया होगा, अब वो लौट कर नहीं आएगा। एंड देन टुवर्ड्स इवनिंग, और फिर क्या हुआ, शाम के वक्त वी वेयर स्टार्टल्ड बाई ए स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से, बागीचे से आने वाली आवाज़ को सुनकर हम काफ़ी हैरान हो गए कि कोई बागीचे की तरफ से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। सेकेंड्स लेटर आंट मेबेल केम फ्लाइंग अप द वरांडा स्टेप्स, कुछ ही सेकेंड्स के बाद आंट मेबेल, है ना, वरांडा की सीढ़ियों पे दौड़ते हुए आती हैं। लुकिंग एज दो सी हैड सीन द डेविल हिमसेल्फ, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उन्होंने किसी राक्षस को, किसी शैतान को, किसी दानव को देख लिया है। इन दी ग्वावा ट्री सी गैस्प, और वो आकर क्या बताती हैं, माई गॉड, अमरूद के पेड़ पे, ग्वावा के पेड़ पे, सी गैस्प मीन्स क्या होता है, हाँफते हुए बोलना। आई वॉज रीचिंग फॉर अ ग्वावा वेन आई सॉ इट्स स्टेयरिंग एट मी, कि जब मैं एक अमरूद तोड़ने वाली थी तभी मैंने देखा कि वो मुझे घूर रहा था, वो मुझे देख रहा था। द लुक इन इट्स आई, ओ माई गॉड, उसकी आँखें, है ना, वो जैसे मुझे देख रहा था, एज दो इट वुड ईट मी अलाइव, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा, जिंदा ही निकल जाएगा। काम डाउन माई डियर, अर्ज्ड ग्रैंड मदर स्प्रिंकलिंग इवाडी कोलोंग ओवर माई आंट, टेल अस वॉट डिड यू सी। अब देखो, इवाडी कोलोंग कहने का मतलब क्या होता है, ये एक परफ्यूम होता है, एक सेंट होता है। तो दादी जी आंट मेबेल के ऊपर परफ्यूम छिड़कते हुए कहती हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और हमें बताओ कि तुमने वहाँ पे क्या देखा। ए स्नेक, सॉब्ड आंट मेबेल। आंट मेबेल रोते हुए, सिसकते हुए कहती हैं कि मैंने एक सांप देखा, अ ग्रेट बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सांप जो कि अपने शिकार के शरीर में चारों तरफ लिपट जाता है और उसे घूंट कर मार देता है, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। इट मस्ट हैव बीन 20 feet लॉन्ग, ये कम से कम 20 feet लंबा होगा। इन द ग्वावा ट्री इट आइज वेयर टेरिबल, और अमरूद के पेड़ पे इसकी आंखें काफ़ी डरावनी दिख रही थी। एंड इट लुकड एट मी इन सच अ क्वेर वे, और मुझे यह काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा था, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें वो बताती हैं, इसीलिए यहाँ पे ये 3 dotted line दिया गया है, और इसी 3 dotted line को हम लोग इलिप्सिस कहते हैं। ओके, माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज्ड ग्लांसेज एंड ग्रैंड फादर सेड आई विल गो आउट एंड किल इट। तभी क्या होता है, मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, एक दूसरे को थोड़ा समय के लिए देखते हैं, और दादाजी कहते हैं कि मैं जाता हूँ और उसे मार देता हूँ।
टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला, एक छाता ले लेते हैं, ही सेल्ड फोर्थ इनटू द गार्डन। सेल्ड फोर्थ कहने का मतलब जब आप कहीं पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाते हैं, है ना, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली काफ़ी हौसले के साथ बागीचे की तरफ चल देते हैं। बट वेन ही गॉट टू द ग्वावा ट्री, लेकिन जैसे ही वो अमरूद के पेड़ के पास जाते हैं, द पाइथन हैड गॉन, सांप वहाँ से जा चुका होता है। आंट मेबल मस्ट हैव फ्राइटेंड इट अवे, आई सेड। यहाँ पे ऑदर कह रहे हैं कि हो सकता है कि आंट मेबल ने उसको डरा दिया होगा, इसीलिए वहाँ से वो भाग गया होगा। हश, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं, अरे ऐसे मत बोलो, वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, कि हमें तुम्हारी आंटी से इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। बट हीज आईज वर अलाइव विद लाफ्टर, लेकिन दादाजी की आंखों में मजाक दिख रहा था, वो काफ़ी फनी वे में ऐसा बोल रहे थे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पाइथन बिगेन टू मेक अ नंबर ऑफ अपियरेंस, इस घटना के बाद वो अजगर जो है ना कभी कभी अक्सर दिखाई देता था, ऑलवेज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और हमेशा वो किसी न किसी अजीबो गरीब जगह पे दिखाई देता था जहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए था। एंड मेविल हैड अनदर फिट व्हेन शी सॉ हिम इमर्ज फ्रॉम बीनीथ अ कुशन। अब एक बार फिर से आंट मेविल काफ़ी परेशान हो गई थी, काफ़ी डर गई थी जब उन्होंने देखा कि ये कहाँ से निकल रहा था, एक तकिए के नीचे से निकल रहा था। सी पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट, और इस बार वो इतना डर गई थी कि उन्होंने अपने बैग को पैक किया और घर छोड़कर चली गई। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। What did everyone notice when the door of the bathroom was opened? So everyone noticed that the python was not there. He had escaped the bathroom. How did the python disappear from the bathroom? So they had left the window open and he had escaped through the window. Okay, question number 3. What did Aunt Mabel see in the guava tree? So she saw a boa constrictor, or we can say she saw the python on the guava tree. What did she think it was? नहीं, यहाँ पे बोल सकते हो, she saw a python and she thought that it was a boa constrictor. So पहले पार्ट का हो जाएगा she saw a python, और सेकेंड पार्ट का हो जाएगा she thought it was a boa constrictor. ओके, चलो स्टोरी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। द हंट कंटिन्यूड, हंट मीन्स उस सांप की तलाश जारी रही, उसको खोजना जारी रहा। वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल। अब यहाँ पे ऑर्डर बोल रहे हैं कि एक बार सुबह में मैंने उस पाइथन को देखा कि वो ड्रेसिंग टेबल पे क्या हुआ है, कर्ल करके बैठा हुआ है, कुंडली मार करके बैठा हुआ है, गेजिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द मिरर, और वो मिरर में वो क्या कर रहा है, अपने ही परछाई को, अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है। तो वाई नॉट आई शुड शो यू द इमेज, लुक एट दिस, ये है आपका, इसको छोटा करना पड़ेगा, दिख रहा ना, ये मिरर के सामने एक ड्रेसिंग टेबल पे बैठा हुआ है और अपनी परछाई को देख रहा है ना, आपने पिक्चर को देख लिया होगा। बैक टू द टेक्स्ट, ओके, वो क्या कर रहा था, अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहा था। आई वेंट लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर, जब मैंने उसे देखा तो मैं दादाजी को बुलाने गया, बट बाय द टाइम वी रिटर्न टू द रूम द पाइथन हैड मूव्ड ऑन, लेकिन जब तक मैं और दादाजी वापस उस रूम में आते वो वहाँ से जा चुका था। He was seen in the garden. उसके बाद उसे गार्डन में देखा गया था। And once the cook saw him crawling up the iron ladder to the room. और फिर उसके बाद बावर्ची ने देखा था कि वह लोहे की सीढ़ियों को चढ़ते हुए छत पे जा रहा था। Then we found him on the ड्रेसिंग टेबल अ सेकेंड टाइम एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर। फिर उसके बाद हमने उसको दूसरी बार ड्रेसिंग टेबल पे देखा जहाँ पे वो अपनी खूबसूरती को एडमायर कर रहा था मिरर में। Evidently, he was fascinated by his own reflection. तो इस बात को देखकर हम परिणाम ये लगा सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट ये आता है कि वो अपने रिफ्लेक्शन से काफ़ी fascinated था, उसको अपना परछाई देखना काफ़ी पसंद था। All the attention he is getting has probably made him conceited, said grandfather. दादाजी कहते हैं कि ये सारा इतना जो अटेंशन हम लोग दे रहे हैं, इतना भाव जो इसको हम लोग दे रहे हैं, इसके वजह से वो क्या हो गया, अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया, conceited हो गया है। He is trying to look better for Aunt Mabel, I said. अब यहाँ पे हमारे ऑर्डर कह रहे हैं कि हो सकता है कि Aunt Mabel को पटाने के लिए क्या हो रहा होगा, अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा होगा, सज रहा होगा। I regretted this remark because grandmother overheard and held my pocket money for the rest of the week. और ऑर्डर कहते हैं, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जो बात मैंने ये बोला था उसका मुझे पछतावा भी हुआ, क्योंकि ये बात दादी जी ने सुन लिया था और पूरे हफ्ते तक मेरे पॉकेट मनी को रोक लिया था। Anyway,
नाउ वी नो हिज वीकनेस, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी कहते हैं कि चलो आखिरकार हमें उसकी कमज़ोरी पता चल गई। और उसकी कमज़ोरी क्या थी कि वो अपनी परछाई को घूरना देखना पसंद करता था, कहाँ पे, मिरर में। आर यू ट्राइंग टू बी फनी टू, आस्क्ड ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर पूछती हैं कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। आई डिडंट मीन ऑन मेवल, एक्सप्लेन ग्रैंड फादर। अब यहाँ पे ग्रैंड फादर कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारे ऑर्डर हैं वो मतलब ये मीन नहीं कर रहे थे, वो एक जनरल सा वाक बोल रहे थे। उनका मतलब ये नहीं था कि वो आंट मेबल को डिसरिस्पेक्ट करें। द पाइथन इज़ बिकमिंग वेन, है ना, सो इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम। अब यहाँ पे दादाजी कहते हैं कि ये जो पाइथन जो है ना, वो क्या हो रहा है, घमंडी हो रहा है। बिकमिंग वेन कहने का मतलब अहंकारी होना, घमंडी होना, इसलिए इसे अब पकड़ना काफ़ी आसान हो गया। तो कोई भी चीज़ जब काफ़ी अहंकार में हो जाता है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, फर्क नहीं पड़ता है। ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग अ लार्ज केज। तो दादाजी एक बड़ा सा पिंजरा जो है ना प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, विद अ मिरर एट द एंड, जिसके एक छोर पे क्या लगा हुआ होगा, मिरर लगा हुआ होगा, ताकि देखकर वो उसके अंदर चला जाए। इन द केज ही लेफ्ट अ जूसी चिकन एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स। वो क्या करते हैं, उस केज में एक चिकन रख देते हैं और काफ़ी दूसरे टेस्टी चीज़ भी रख देते हैं जो कि उस पाइथन को काफ़ी पसंद था। द ओपनिंग वॉज फिटेड विद अ ट्रैप डोर, और उस केज का जो दरवाज़ा था वो एक ट्रैप डोर उसमें लगा हुआ था। ट्रैप डोर कहने का मतलब एक ऐसा दरवाज़ा जिससे आप अंदर तो जा सकते हैं, उससे बाहर आप नहीं निकल सकते, उसी को हम लोग ट्रैप डोर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हॉरर मूवीज़ में ये आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। आंट मेबल हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम वी सेट अप द ट्रैप। अब यहाँ पे उधर कह रहे हैं कि जब तक हम लोग ट्रैप को, उस पिंजरे को तैयार करते, है ना, उससे पहले ही आंट मेबल घर छोड़कर जा चुकी थी। बट वी हैड टू गो ऑन विद द प्रोजेक्ट बिकॉज वी कुड नॉट हैव द पाइथन प्रॉलिंग अबाउट द हाउस इनडेफिनेटली। लेकिन हम लोगों को इस काम को पूरा करना था क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे। प्रॉलिंग अबाउट कहने का मतलब चारों तरफ घूमना, भटकना इस तरह से कि आपको कोई देख ना सके, आपको कोई सुन ना सके। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हमेशा के लिए सांप हमारे घर के चारों तरफ घूमता भटकता रहे और दिखाई भी ना दे, इसलिए उसे पकड़ना काफ़ी ज़रूरी था। अ पाइथन्स बाइट इज़ नॉट पॉइजनस, मतलब अगर एक अजगर आपको काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो ये जहरीला नहीं होता है, है ना। बट इट कैन स्वालो अ लाइव मंकी, लेकिन यह एक जिंदा मंकी को भी खा सकता है। एंड इट कैन बी अ रिस्की प्लेमेट फॉर अ स्मॉल बॉय, और यह एक छोटे लड़के के लिए काफ़ी ख़तरनाक साथी साबित हो सकता है, क्योंकि एक बच्चे को भी निगल सकता है। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपेंड, कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो उस पिंजरे में नहीं आया। एंड देन एज आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग, और फिर ऑर्डर कह रहे हैं कि जब एक दिन सुबह में मैं स्कूल जा रहा था, आई सॉ द पाइथन इन द केज, मैंने उस पाइथन को उस पिंजरे में देखा, वो उसके अंदर जा चुका था, फंस चुका था। ही हैड इटन एवरीथिंग लेफ्ट आउट फॉर हिम, और उसमें जो भी चीज़ें उसके खाने के लिए रखी गई थी उसको पहले ही खा चुका था। एंड वॉज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मिरर के सामने कुंडली मार करके बैठा हुआ था, विद समथिंग दैट रिजेंबल्ड अ स्माइल ऑफ हिज फेस, और ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे स्माइल है। इफ़ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, और ये बात आपको तभी पता चल सकता है जब आपको पता होगा कि एक पाइथन स्माइल कैसे करता है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। हु सॉ द पाइथन क्रॉलिंग अप द आयरन लैडर टू द रूफ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुक। व्हाट वॉज द पाइथन डूइंग ऑन द ड्रेसिंग टेबल, सो ही वॉज लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन एंड एडमायरिंग इट, ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड विद हिज लुक। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेड ग्रैंडफादर थिंक दैट इट वुड बी ईजियर टू कैच द पाइथन, सो जस्ट बिकॉज ही हैड बिकम वेन, ही हैज बिकम कॉन्सीटेड, दैट इज़ वॉट ग्रैंडफादर थॉट दैट इट कुड बी ईजियर टू कैच हिम, बिकॉज वो क्या हो चुका था, घमंडी हो चुका था। ओके, बहुत कम ही बचे हुए हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आई लोअर्ड द ट्रैप डोर जेंटली बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी, और ऑर्डर कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे गया और ट्रैप डोर को थोड़ा सा नीचे कर दिया ताकि वो उससे निकले नहीं, लेकिन उस पाइथन ने मुझे नहीं देखा। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन अ टोंगा एंड टुक इट अक्रॉस द रिवर बेड, तो दादाजी ने और गार्डनर ने दोनों ने मिलके उस पिंजरे को एक टांगा में रख दिया और उसको नदी के पार लेकर गए। ओपनिंग द ट्रैप डोर दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, ट्रैप डोर को खोल करके उन लोगों ने उस पिंजरे को जंगल में छोड़ दिया। व्हेन दे वेंट अवे, जब वे लोग पिंजरे से दूर चले गए, द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट, तो पाइथन
वहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, है ना। उसने एक बार भी कोशिश नहीं किया कि वो उस पिंजरे से निकल जाए। आई डिडेंट हैव द हर्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी कहते हैं कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्या कर सकें, मतलब वो उनके पास इतना कलेजा नहीं था कि वो क्या कर सकें कि उसके सामने से मिरर को हटा दे, मतलब वो उस सांप का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। सेड द ग्रैंडफादर, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉल इन लव। और यहाँ पे ऑदर कह रहे हैं कि ये पहली बार है कि जब मैंने किसी सांप को प्यार में पड़ते हुए देखा था, है ना। तो अगर दादाजी उसके सामने से मिरर को हटा देते तो उसका दिल टूट जाता, इसीलिए दादाजी कहते हैं कि मेरे पास उतना हिम्मत, मेरे पास उतना कलेजा नहीं था कि मैं किसी का दिल तोड़ दूँ। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। आपके ऑदर हैं रस्किन बॉन्ड। स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।